फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? समर सीजन आने वाला है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे वेजिनल इचिंग, वेजिनल इन्फेक्शन, वेजिनल वेटनेस। आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती होगी। जी हाँ, सभी फीमेल्स को होती है, और अभी समर सीजन में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है आज मेरे पास, मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमारे वीडियो में एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो में मिल जाए। लेकिन उससे पहले, जो लोग आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही आपको पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हुई, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है वेजिनल इन्फेक्शन। वेजिनल इन्फेक्शन कैसे होती है, वेजिनल इचिंग क्यों होती है, वेजिनल वेटनेस क्यों होती है, और इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या हम अपना इंटीमेट हाइजीन का ध्यान नहीं रखते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे हर कोई अवेयर है, हर कोई अपनी इंटीमेट हाइजीन को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है, सभी अपनी इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो क्यों होती है, कोई तो रीजन होता होगा ना उसके पीछे। तो इसी बारे में आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटीमेट हाइजीन बहुत 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 जरूरी होती है, और हम सबको ही अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और इंटीमेट हाइजीन जो होता है, इसकी गाइडेंस मदर टू डॉटर जाती है। अगर कोई मदर है, वो अपने इंटीमेट हाइजीन का पूरा ध्यान रखती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी डॉटर को भी इन चीजों के बारे में बताएगी। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे शाय करने का मतलब नहीं है, यू डोंट हैव टू शाय ओवर हियर। आपको अपनी बेटी को, अपने बच्चों को गाइड करना है अबाउट द इंटीमेट हाइजीन, ताकि फ्यूचर में उनको किसी भी तरह की वेजिनल इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह से उनको वेजिनल इन्फेक्शन की वजह से एम्बरेस नहीं होना पड़े। और जब भी हम अपनी इंटीमेट हाइजीन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि हमारा इंटीमेट एरिया इतना क्लीन होना चाहिए कि हमें किसी तरह का स्मेल ना आए, हम कहीं पर भी जाने से किसी के साथ बैठने में अनकम्फर्टेबल फील ना करें। तो जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, हमारा इंटीमेट हाइजीन बिल्कुल प्रॉपर है, किसी भी तरह का कोई ऑडियो स्मेल हमसे नहीं आता है, तो हम कहीं पर भी आराम से बैठ सकते हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो इंटीमेट हाइजीन है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो इंटीमेट हाइजीन में की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह लेते हैं कि जी हाँ, नहाते वक्त जब हम सोप यूज करते हैं पूरी बॉडी पे, तो इंटीमेट एरिया भी हम साफ कर लेते हैं और वो साफ हो जाता है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बात बिल्कुल 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 गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। वाई? बिकॉज सोप आपके बॉडी के लिए बना है, ना कि आपके इंटीमेट एरिया के लिए। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो अलग होता है, आपके इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल अलग होता है। तो सोप का जो पीएच लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वेजिनल का पीएच लेवल बहुत कम होता है। इन दैट केस बहुत सारी कंपनीज ने वी वॉश, यानी कि हाइजीनिक वॉश जो है वो बनाए हुए हैं, और वो जो हाइजीनिक वॉश है वो हमारे वेजिनल के पीएच लेवल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी इंटीमेट वॉश होते हैं उनका पीएच लेवल हमारे वेजिना को ध्यान में रख के बनाया गया होता है। हमारी वेजिना का पीएच लेवल बहुत कम होता है, और वो जो हाइजीनिक वॉश होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो जब आप किसी तरह का कोई वॉश यूज करते हैं, तो आप अपने इंटीमेट एरिया को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, जब उससे आपको किसी तरह की इचिंग नहीं होती है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाते हैं, रैशेस नहीं होते हैं, और किसी तरह की वेटनेस नहीं होती है, हम कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप रेज हो जाता है। सो बहुत सारे वॉश जो है वो मार्केट में आए हुए हैं, तो एक वॉश मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और वो है वी स्टार। वी स्टार इज अ लेडी हाइजीन वॉश। इसके ऊपर लिखा भी है लेडी हाइजीन वॉश, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वेजिना के लिए बना है, फीमेल्स के लिए बना है, उन फीमेल्स के लिए बना है जो लोग अपनी इंटीमेट हाइजीन को लेके बहुत बहुत कॉन्शियस रहते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स कि अपनी डॉटर्स को सिखाएं इंटीमेट हाइजीन के बारे में, उनको वी वॉश का नॉलेज दें, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर में उनको किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, तो आप उन्हें ये सिखाएं। तो ये जो है, ये 100% हाइजीन फॉर इंटीमेट पार्ट्स ऑफ अ वुमन की विमेन्स के लिए बना है, और इसमें टी ट्री ऑयल है जो कि हमें इन्फेक्शन से दूर रखता है। इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बताऊँ, ये 100 ml का बॉटल है, पूरा 1 month चलता है, बजट फ्रेंडली है, और जेल बेस्ड है, इसका फोम
बहुत अच्छा है और इसका ऑडियो भी बहुत अच्छा है. सो ये हमें नीट एंड क्लीन रखेगा और कॉन्फिडेंट रखेगा. तो अगर आप ये वाला वी स्टार का जो हाइजीनिक वॉश अगर आप यूज करना चाहते हैं, यू कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. आप इसे मार्केट से बाय कर सकते हैं, बट ये बहुत कम मार्केट में मिलता है. अगर आप 50 शॉप पे जाएंगे तो शायद किसी एक शॉप में मिलेगा. सो मैंने एक वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे वहां से मंगवा सकते हैं. और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए. मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है. तब तक के लिए बाय बाय.